नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया में लीक हुई भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी से जुड़ी जानकारी, फ्रांस सरकार ने बिठाई जांच, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिए जांच के आदेश। रियो में देश को पहला मेडल दिलाने वाली पहलवान बेटी साक्षी मलिक का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया वेलकम, बनाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर। कश्मीर में तनाव के बीच शांति बहाली के लिए घाटी के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सभी धर्म के नेताओं से होगी बातचीत, कल सेना प्रमुख दलबीर सिंह ने भी किया था दौरा। IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को धमकाने के आरोप में बढ़ सकती है मुलायम सिंह यादव की मुश्किलें, पुलिस की क्लीन चिट को लखनऊ बेंच ने किया खारिज, दिए दोबारा जांच के आदेश। शारदा घोटाले में बढ़ सकती है नलिनी चिदंबरम की मुश्किलें, प्रवर्तन निदेशालय ने नलिनी को भेजा नोटिस, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी है नलिनी। अमेरिका ने POK में मानवाधिकारों की स्थिति पर जताई चिंता, अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान, मतभेदों पर शांतिपूर्ण और राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए हल निकालने की अपील की। आतंकी संगठन बोको हरम के चीफ के मारे जाने की खबर, हवाई हमले में हुई अबू बकर शेखू की मौत, नाइजीरियन वायुसेना ने किया दावा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।